Bollywood is living in a bubble. I am of the firm opinion, no matter what other actors are saying, and I'll keep saying this, films change your hairstyle. They don't change society. Films don't change society. क्या मूवीज हमारे चित पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर असर डालती हैं? Let's see with a few examples. मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ. सो गया मुझे चीज का बदमाशी. खन्ना है जी, संजीदा दी हूँ जी मैं. 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार. I went to the IMA, so all the cadets were there in the 100th, and he asked the cadets, he's like, how many of you are here today because you've seen the film Lunch? And almost 70% of all those cadets put their hands up. जब पत्नी ने पुलिस में पति के गायब होने की शिकायत लिखवाई, तब कातिल पकड़ा गया जिसने मर्डर के बाद बॉडी को छुपाने के लिए अजय देवगन की फिल्म से टिप्स लिए थे. तो फिर ये कहते हैं मूवीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्या करें, मूवीज देखें या ना देखें? अगर देखें तो कौन सी मूवीज देखें? अच्छी मूवीज पर अच्छा मैसेज देने वाली मूवीज अब बनती कहाँ है? और रिलीजियस मूवीज के नाम पर कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज के बाद आप मूवीज नहीं देखोगे, सिर्फ लेक्चर सुनूंगा, रीडिंग करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, कीर्तन करूंगा, पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एक महाभागवत, एक प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में रहकर ये सब कर रहे हो. अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि आप परमानेंटली अपने आप को या अपने बच्चों को ऐसा कंटेंट देखने से रोक पाओगे. ओके, इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिना दी तो सॉल्यूशन क्या है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि हमें किसी लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए किसी हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है. तो क्या यहाँ पर खाने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ बात हो रही है लाइफ की सभी एक्टिविटीज की. इसी तरह से बॉलीवुड का निम्न काम वासना से युक्त हिंदू फोबिक चीप मजे का टेस्ट छोड़ना है तो जरूरत है स्पेशल कंटेंट क्रिएटर द्वारा बनाए गए सनातन संस्कृति को सही तरह से प्रेजेंट करने वाले और जिनका उद्देश्य आपसे पैसे ऐंठना या आपको बिगाड़ नहीं है, बल्कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सहायता करना भी है. तो ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि स्पेशल मूवी ज्यादा आ नहीं रही और कोई बना भी नहीं रहा? कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डिवोटीज अच्छे एक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, या क्या उनके पास अच्छे राइटर्स नहीं है? ऐसा नहीं है. वेल, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग ज्यादा शेयर नहीं करते. और हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि लोग इतना भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है. अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअल ड्रामास देखोगे तो आप खुद नोटिस करोगे दैट अच्छे एक्टर्स की तो कमी नहीं है और स्क्रिप्ट्स की तो बोले ही क्या. भगवद गीता, भागवतम, इतना कुछ है ना बनाने को, जिंदगी कम पड़ जाएगी और हम बना भी नहीं पाएंगे. जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट एवरी डे वी कैन रिलीज अ न्यूज़पेपर एंड हर दिन एक नया कॉन्टेंट, नथिंग ओल्ड. वैसे ही हम लोग भी रोज एक नई मूवी रिलीज कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि मूवीज बनाना आसान नहीं है. देयर इज अ कोट, फॉर इंस्टा रील यू नीड अ पर्सन एंड अ मोबाइल, बट फॉर मेकिंग अ मूवी यू नीड एन आर्मी. मतलब ये कि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि फिल्म्स बनाने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है. हर फिल्म में राइटर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, डीओपी, असिस्टेंट डीओपी, लाइट्स, मेकअप आर्टिस्ट, लोकेशन कोऑर्डिनेटर, एडिटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, साउंड डिजाइनर, म्यूजिक डायरेक्टर, उफ अभी तो आधे ही गिनाया मैंने, कैमरा, लेंसेज, लाइट, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन का खर्चा, परमिशन का खर्चा, एक्टर्स की पेमेंट, सबका खाना, रहना, ट्रैवल, कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालना. और अगर आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से नहीं हो तो जगह जगह जाकर लोकेशंस पर बोलना, गिड़गिड़ाना कि प्लीज हमें लोकेशन पे शूट करने की परमिशन दे दो. और पूरी शूटिंग के बाद चाहिए एक पावरफुल पीसी, इतना सारा डेटा संभालने के लिए चाहिए हार्ड ड्राइव्स, एडिटर्स. और अगर आपके पास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है तो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके म्यूजिक खरीदना, पता है कितना खर्चा होता है? आज अगर हम बॉलीवुड में देखें तो कोई भी नॉर्मल सी फिल्म बनाने के लिए मिनिमम 5 से 10 करोड़ तो लगते ही लगते हैं. यस, एक्सेप्टेड, एक्टर्स ही मेजॉरिटी ऑफ द पैसा ले जाते हैं, लेकिन अगर उनकी फीस भी निकाल दें तो भी कम से कम 2 या 3 करोड़ चाहिए ही चाहिए टू मेक अ फिल्म. और अगर हम भी एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो हमें भी यही सेम चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, स्पेशली पैसों को लेकर, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर टीम नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी चाहिए पैसा. हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि हमें भी अब 5-6 करोड़ रुपए चाहिए ताकि हम एक अच्छी सी फिल्म रिलीज कर सके, नहीं, बट एटलीस्ट इतना कि हम लोग एक डिसेंट फिल्म या वेब सीरीज रिलीज कर पाए प्रॉपर टीम और प्रॉपर क्वालिटी के साथ. अब आप फुल स्टॉप वेब सीरीज को देख लो, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के, यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके भी हमारा कम से कम 2.5 लाख का खर्चा हो चुका है. और ये तब है जब हमने जितना हो सके उतना मिनिमम खर्चा करने की कोशिश की. अगर हम और क्वालिटी अपग्रेड करते और साथ ही साथ जिन भी डिवोटीज ने हमको इस वेब सीरीज में हेल्प करी है उन सबको फाइनेंशियली पे करते, जो कि हमें करना ही चाहिए, तो आप खुद सोच सकते हो कि हमारा खर्चा कहाँ जाता. ये बात थी पैसों की,
और जो टाइम लगता है वो अलग। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि 100 मिनट की एक वेब सीरीज बनाने के लिए हमें 6 महीने लग गए ऑफिस और बाकी सेवाओं के साथ साथ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब मूवीज क्यों बना रहे हैं, क्यों ये सब झंझट में पड़े हुए हैं? सिर्फ जनरल टॉकिंग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, या फिर सिर्फ ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे, व्हिच इज इजी टू मेक आल्सो और उसे प्रचार भी होगा? व्हाई फिल्म्स? इसका जवाब हम आपको पहले भी दे चुके हैं, व्हिच इज इंपैक्ट। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, माटी सटक ली है, पैसा ही पैसा होगा। वो आ गई ना मूवीज की याद, देखा इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इसका आपके चित पे। इसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअल मूवीज बनाएंगे और आप उसको देखोगे तो आप खुद सोचो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और कितना होगा और आपकी कॉन्शियसनेस कैसी रहेगी। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम फिल्म्स बनाकर क्या अचीव करना चाहते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हम आपसे क्या चाहते हैं? लाइक, कॉमेंट, शेयर। हाँ भैया, कर दिया सब्सक्राइब और आगे बताओ क्या करना है। वेल दैट्स नॉट इनफ, जैसे कि हमने आपको बताया कि मूवीज बनाने में कितना खर्चा आता है, सो वी नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आप कहोगे YouTube एड से भी तो पैसे आ रहे हैं। हाँ तो देखो ना कितने आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये है पूरे ब्रेन वॉश की कमाई और ये है उसको बनाने का खर्चा। तो सोचो हम तो एक्चुअली लॉस में चल रहे हैं, बट स्टिल वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस सेवा बिकॉज हमें पता है कि इससे आने वाला यूथ अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम मूवीज के थ्रू ऐसे स्पिरिचुअल मैसेजेस दे पाएंगे और ऐसी ऑडियंस के पास पहुंच पाएंगे जो लेक्चर्स नहीं सुनती। एट द मोमेंट हम लोग खुद की सेविंग्स से वेब सीरीज और फिल्म्स बना रहे हैं, जितना हो पा रहा है एक या दो डिवोटीज की सहायता से ये कर रहे हैं, बट वो इनफ नहीं है। इसलिए प्लीज नीचे दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कंट्रीब्यूट करें, 10, 20, 50, 100, 200, 500 कुछ भी दो, जितना कर सकते हो उतना दो, जस्ट कंसीडर दिस एज अ मूवी टिकट। जब आप मूवी देखने जाते हो तो एक मूवी हॉल में इतना तो दे ही देते हो ना, अगर आप सभी मिलके इतना इतना दे दोगे तो हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। वेब सीरीज को बनाने में जितना भी खर्चा आया है उसका हमने सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एक एक्सेल शीट में डाला है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। आप देख सकते हैं और हमको एटलीस्ट उतना रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएं। No profit, no loss. Thank you so much everyone for encouraging us and supporting us. और अगर आप हमको monthly basis पे support करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने details already दे रखी हैं। See you soon. हरे कृष्णा।